हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी। खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको सफ़ेद रिबन मूवी के बारे में बताती हूँ। जर्मनी दास वेड वेड 2009 की जर्मनी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसे माइकल हानिक ने लिखा और निर्देशित किया है। इसलिए शाम में रिलीज हुई यह फिल्म प्रथम विश्व युद्ध से ठीक पहले एक उत्तर जर्मनी गांव में समाज और परिवार को गहराई से दर्शाती है। हॉनिक के अनुसार द रेटल रावन बुराई की जोड़ों के रूप बारे में है, चाहे वह धार्मिक या राजनीतिक आतंकवादी हो, यह एक ही बताता है। निर्देशक माइकल हॉनिक द्वारा लिखित, माइकल हॉनिक द्वारा उत्पादित, स्टीफन एरडो, माइकल कोडोज, ब्रेटल मैगनूज, एंटन एफ्रेजल, अभिनेती क्रिशिया फ्रेडा, अलेशंत्र को जोसेफ ब्रेचर वर्णन करती, अनिस्टिया जैकवॉल छायांकन, इंशिया वर्ग द्वारा संपादित, मनोहिक बिल्की उत्पादक कंपनियां, बैग फिल्म एक्शन फिल्म द्वारा वितरित, ऑस्ट्रेलिया जर्मनी, रिलीज की तारीख 21 मई 2009, कार्यकारी समय 144 मिनट, का भाषा जर्मनी, बजट यूनिस कनाडा 18 मिलियन। इस फिल्म का प्राइमर मई 2009 में 62वें कान फिल्म समारोह में हुआ। यह इसने प्लैनेट डी और जीत, इसके बाद सकारात्मक समीक्षा और कई अन्य प्रमुख पुरस्कार मिले, जिसमें सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए 2010 का डल गब्बर अवार्ड भी शामिल हैं। 2009 में 82वें अकेडमी पुरस्कारों में फिल्म को 2 नामांकन भी मिले। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म जर्मनी का प्रतिनिधित्व और सर्वश्रेष्ठ छायांकन क्रिस्टी बैनर, एक अज्ञात वजर दर्ज की यादें उस दौर के वर्ष से एक घनिष्ठ बनाती हैं, जब उन्हें एक के गांव के स्कूल शिक्षा के रूप में काम किया और अपनी मंगेतन इवन एक नानी से मुलाकात की। स्टिंग जुलाई 1913 से 9 अगस्त 1914 तक उत्तरीय जर्मनी के इलीवर्ट का काल्पनिक प्रोटेस्टा गांव है, जहां स्थानीय प्रेदी डॉक्टर और व्यापारी क्षेत्र की महिलाओं, बच्चों और किसानों पर शासन करते हैं। शुद्धवादी
प्रेदल पुष्टिकरण कक्षाओं और नेत्रव्य करता है और अपने यौवन बच्चों को स्पष्ट रूप से छोटे अपराधियों के लिए दोषी विकास देता है। उसने उन्हें इस माशोषिक और पवित्रता की याद दिलाने के लिए सफ़ेद रिवन पहने हैं जिससे वे भटक गए हैं। पूछताछ के दौरान उसके बेटे ने अशुद्ध जौनी की बात कबूल की। प्रेदी के पास हर रात लड़के के हाथ उसके बिस्तर के प्रेमन से बंधे हुए थे हैं। डॉक्टर एक बधुर गांव के बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करता है लेकिन अपने गृह स्वामी स्थानीय दाही जिसके साथ वह यौन संबंध रखता है को अपनाहित करता है और अपनी किशोरी बेटी का यौनी घोषणा भी करता है। ब्रैनी जो जागीर का स्वामी है ग्रामीण के लिए सफल उत्साह हो रेखित करता है। उसमें से कई उल्लेखित मजबूर हैं। अपने छोटे बेटे को अज्ञात हमलावरों द्वारा अपमानजनक रूप से घायल किए जाने के बाद वह बिना किसी स्पष्ट कारण के इवल को शरीरी तौर पर खारिज कर देता है। फिर भी एक किसान की अखंडता का बचाव करता है जिसके बेटे ने प्रति कदम कार्य में वैरन के गोभी के खेत में को नष्ट कर दिया है। इवन के साथ स्कूल शिक्षक की दोस्ती क्रेशियर की छुट्टी के दौरान उसके परिवार के हर घर जाती है। शादी में उसका हाथ मांगते हुए वह अपने मैन पिता से शादी करने के लिए अनुच्छेद अनुमति प्राप्त करता है लेकिन केवल एक साल की परीक्षा अवधि की देरी के बाद अपुष्टि हानिकारक घटनाएं होती हैं। दो पेड़ों के बीच एक तार खिंच गया है जिससे डॉक्टर अपने घोड़े से भयानक रूप से गिर गया। शेड हुई फ्रेदल देने से किसान की पत्नी की चीर घर में मौत हो जाती है। उसका बेटा गोभी के खेत में तोड़फोड़ करने वाला था और उसके दुखी पत्नी ने बाद में खुद को फांसी लगा ली। ब्रैनी का जवाब बेटे सीगल फसल उत्साह के दिन लापता हो जाता है और अगली सुबह यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको सफ़ेद रिवन मूवी के बारे में बताती हूँ। जर्मनी दास वेड वेड 2009 की जर्मनी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसे माइकल हानिक ने लिखा और निर्देशित किया है। इसलिए शाम में रिलीज हुई यह फिल्म प्रथम विश्व युद्ध से ठीक पहले एक उत्तर जर्मनी गांव में समाज और परिवार को गहराई से दर्शाती है। हॉनिक के अनुसार द रेटल रावन ब्राई की जोड़ों के रूप बारे में है। चाहे वह धार्मिक या राजनीतिक आतंकवादी हो यह एक ही बताता है। निर्देशक माइकल हॉनिक द्वारा लिखित, माइकल हॉनिक द्वारा उत्पादित, स्टीफन एरडो, माइकल कोडोज, ब्रेटल मैग्नूज, एंटन एफ्रेजल, अभिनेती क्रिशिया फ्रेडा, अलेशन त्रको, जोसेफ ब्रेचर, वर्णन करती अनिस्टिया जैकवॉल, छायांकन इंशिय वर्ग द्वारा संपादित, मनोहिक बिल्की, उत्पादक कंपनियां बैग फिल्म एक्शन फिल्म द्वारा वितरित, ऑस्ट्रेलिया जर्मनी। रिलीज की तारीख
21 मई 2009 कार्यकारी समय 144 मिनट, का भाषा जर्मनी, बजट यूनिस कनाडा 18 मिलियन। इस फिल्म का प्राइमर मई 2009 में 62वें कान फिल्म समारोह में हुआ। यह इसने प्लैनेट डी और जीत, इसके बाद सकारात्मक समीक्षा और कई अन्य प्रमुख पुरस्कार मिले, जिसमें सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए 2010 गार्डल गबल अवार्ड भी शामिल हैं। 2009 में 82वें अकेडमी पुरस्कारों में फिल्म को 2 नामांकन भी मिले। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म जर्मनी का प्रतिनिधित्व और सर्वश्रेष्ठ छायांकन क्रिस्टी बैनर एक अज्ञात वजह दर्ज की यादें उस दौर के वर्ष से एक घनिष्ठ बनाती हैं, जब उन्हें एक के गांव के स्कूल शिक्षा के रूप में काम किया और अपनी मंगेतन इवन एक नानी से मुलाकात की। स्टिंग जुलाई 1913 से 9 अगस्त 1914 तक उत्तरीय जर्मनी के इलीवर्ट का काल्पनिक प्रोटेस्टा गांव है, जहां स्थानीय प्रेदी डॉक्टर और व्यापारी क्षेत्र की महिलाओं, बच्चों और किसानों पर शासन करते हैं। शुद्धवादी प्रेदल पुष्टिकरण कक्षाओं और नेत्रव्य करता है और अपने यौवन बच्चों को स्पष्ट रूप से छोटे अपराधों के लिए दोषी विकास देता है। उसने उन्हें इस मासोशिक और पवित्रता की याद दिलाने के लिए सफ़ेद रिबन पहने हैं, जिससे वे भटक गए हैं। पूछताछ के दौरान उसके बेटे ने अशुद्ध जौनी की बात कबूल की। प्रेदी के पास हर रात लड़के के हाथ उसके बिस्तर के फ्रेमन से बंधे हुए थे हैं। डॉक्टर एक बधुर गांव के बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन अपने गृह स्वामी स्थानीय दाही, जिसके साथ वह यौन संबंध रखता है, को अपनाहित करता है और अपनी किशोरी बेटी का यौनी घोषणा भी करता है। ब्रेनी जो जागीर का स्वामी है, ग्रामीण के लिए सफल उत्साह हो रेखित करता है। उसमें से कई उल्लेखित मजबूर हैं। अपने छोटे बेटे को अज्ञात हमलावरों द्वारा अपमानजनक रूप से घायल किए जाने के बाद वह बिना किसी स्पष्ट कारण के इवल को शरीरी तौर पर खारिज कर देता है, फिर भी एक किसान की अखंडता का बचाव करता है, जिसके बेटे ने प्रति कदम कार्य में वैरन के गोभी के खेत में को नष्ट कर दिया है। इवन के साथ स्कूल शिक्षक की दोस्ती क्रेशियर की छुट्टी के दौरान उसके परिवार के हर घर जाती है। शादी में उसका हाथ मांगते हुए वह अपने मैन पिता से शादी करने के लिए अनुच्छेद अनुमति प्राप्त करता है, लेकिन केवल एक साल की परीक्षा अवधि की देरी के बाद अपुष्टीय हानिकारक घटनाएं होती हैं। दो पेड़ों के बीच एक तार खींच गया है, जिससे डॉक्टर अपने घोड़े से भयानक रूप से गिर गया। शेड हुई फ्रेदल देने से किसान की पत्नी की चीर घर में मौत हो जाती है।
उसका बेटा गोभी के खेत में तोड़फोड़ करने वाला था और उसके दुखी पत्नी ने बाद में खुद को फांसी लगा ली। ब्रैनी का जवाब, बेटे सीगल फसल उत्साह के दिन लापता हो जाता है। और अगली सुबह यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको सफ़ेद रिबन मूवी के बारे में बताती हूँ। जर्मनी दास वेड वेड 2009 की जर्मनी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसे माइकल हानिक ने लिखा और निर्देशित किया है। इस शाम में रिलीज हुई यह फिल्म प्रथम विश्व युद्ध से ठीक पहले एक उत्तर जर्मनी गांव में समाज और परिवार को गहराई से दर्शाती है। हॉनिक के अनुसार द रेटल रावण बुराई की जोड़ों के रूप बारे में है, चाहे वह धार्मिक या राजनीतिक आतंकवादी हो, यह एक ही बताता है। निर्देशक माइकल हॉनिक द्वारा लिखित, माइकल हॉनिक द्वारा उत्पादित, स्टीफन एरडो, माइकल कोडोज, ब्रेटल मैगनूज, एंटन एफ्रेजल, अभिनेती क्रिशिया फ्रेडा, अलेशंत्र को जोसेफ ब्रेचर वर्णन करती, अनिस्टिया जैकवॉल छायांकन, इंशिया वर्ग द्वारा संपादित, मनोहिक बिल्की उत्पादक कंपनियां बैग फिल्म एक्शन फिल्म द्वारा वितरित, ऑस्ट्रेलिया जर्मनी, रिलीज की तारीख 21 मई 2009, कार्यकारी समय 144 मिनट, का भाषा जर्मनी, बजट यूनिस कनाडा 18 मिलियन। इस फिल्म का प्राइमर मई 2009 में 62वें कान फिल्म समारोह में हुआ। यह इसने प्लेनेट डी और जीत, इसके बाद सकारात्मक समीक्षा और कई अन्य प्रमुख पुरस्कार मिले, जिसमें सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए 2010 गार्डल गबल अवार्ड भी शामिल हैं। 2009 में 82वें अकेडमी पुरस्कारों में फिल्म को 2 नामांकन भी मिले। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म जर्मनी का प्रतिनिधित्व और सर्वश्रेष्ठ छायांकन क्रिस्टी बैनर एक अज्ञात वजर दर्ज की यादें उस दौर के वर्ष से एक घनिष्ठ बनाती हैं, जब उन्हें एक के गांव के स्कूल शिक्षा के रूप में काम किया और अपनी मंगेतन इवन एक नानी से मुलाकात की। स्टिंग जुलाई 1913 से 9 अगस्त 1914 तक उत्तरीय जर्मनी के इलीवाट का काल्पनिक प्रोटेस्टा गांव है, जहां स्थानीय प्रेदी डॉक्टर और व्यापारी क्षेत्र की महिलाओं, बच्चों और किसानों पर शासन करते हैं। शुद्धवादी प्रेदल पुष्टिकरण कक्षाओं और नेत्रव्य करता है और अपने यौवन बच्चों को स्पष्ट रूप से छोटे अपराधियों के लिए दोषी बिका देता है। उसने उन्हें इस मासोशिक और पवित्रता की याद लाने के लिए सफ़ेद रिबन पहने हैं जिससे वे भटक गए हैं।
पूछताछ के दौरान उसके बेटे ने अशुद्ध जॉनी की बात कबूल की। रेडी के पास हर रात लड़के के हाथ उसके बिस्तर के प्रेमन से बंधे हुए थे हैं। डॉक्टर एक बदूर गांव के बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन अपने गृह स्वामी स्थानीय दाही जिसके साथ वह यौने संबंध रखता है को अपनाहित करता है और अपनी किशोरी बेटी का यौनी घोषणा भी करता है। ब्रैनी जो जागीर का स्वामी है, ग्रामीण के लिए सफल उत्साह हो रेखित करता है। उसमें से कई उल्लेखित मजबूर हैं। अपने छोटे बेटे को अज्ञात हमलावरों द्वारा अपमानजनक रूप से घायल किए जाने के बाद वह बिना किसी स्पष्ट कारण के इवल को शरीरी तौर पर खारिज कर देता है, फिर भी एक किसान की अखंडता का बचाव करता है जिसके बेटे ने प्रति कदम कार्य में वैरन के गोभी के खेत में को नष्ट कर दिया है। इवन के साथ स्कूल शिक्षक की दोस्ती क्रेशियर की छुट्टी के दौरान उसके परिवार के हर घर जाती है। शादी में उसका हाथ मांगते हुए वह अपने मैन पिता से शादी करने के लिए अनुच्छेद अनुमति प्राप्त करता है, लेकिन केवल एक साल की परीक्षा अवधि की देरी के बाद अपुष्ट हानिकारक घटनाएं होती हैं। दो पेड़ों के बीच एक तार खिंच गया है जिससे डॉक्टर अपने घोड़े से भयानक रूप से गिर गया। शेड हुई फ्रेडल देने से किसान की पत्नी की चीर घर में मौत हो जाती है। उसका बेटा गोभी के खेत में तोड़फोड़ करने वाला था और उसके दुखी पत्नी ने बाद में खुद को फांसी लगा ली। ब्रैनी का जवाब बेटे सीगल फसल उत्साह के दिन लापता हो जाता है। और अगली सुबह यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको सफ़ेद रिबन मूवी के बारे में बताती हूँ। जर्मनी दास वेड वेड 2009 की जर्मनी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसे माइकल हानिक ने लिखा और निर्देशित किया है। इसलिए शाम में रिलीज हुई यह फिल्म प्रथम विश्व युद्ध से ठीक पहले एक उत्तर जर्मनी गांव में समाज और परिवार को गहराई से दर्शाती है। हॉनिक के अनुसार द रेटल रावन बुराई की जोड़ों के रूप बारे में है, चाहे वह धार्मिक या राजनीतिक आतंकवादी हो, यह एक ही बताता है। निर्देशक माइकल हॉनिक द्वारा लिखित, माइकल हॉनिक द्वारा उत्पादित, स्टीफन एरडो, माइकल कोडोज, ब्रेटल मैगनूज, एंटन एफ्रेजल, अभिनेती क्रिशिया फ्रेडा, अलेशन त्रको, जोसेफ ब्रेचर, वर्णन करती अनिस्टिया जैकवॉल, छायांकन इंशिय वर्ग द्वारा संपादित, मनोहिक बिल्की उत्पादक कंपनियां बैग फिल्म एक्शन फिल्म द्वारा वितरित, ऑस्ट्रेलिया जर्मनी, रिलीज की तारीख 21 मई 2009, कार्यकारी समय 144 मिनट, का भाषा जर्मनी, बजट यूनिस कनाडा 18 मिलियन। इस फिल्म का प्राइमर मई 2009 में 62वें कान फिल्म समारोह में हुआ। यह इसने प्लेनेट डी और जीत
इसके बाद सकारात्मक समीक्षा और कई अन्य प्रमुख पुरस्कार मिले, जिसमें सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए 2010 गार्डल गबल अवार्ड भी शामिल हैं। 2009 में 82वें अकेडमी पुरस्कारों में फिल्म को 2 नामांकन भी मिले। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म जर्मनी का प्रतिनिधित्व और सर्वश्रेष्ठ छायांकन क्रिस्टी बैनर एक अज्ञात वजह दर्ज की यादें उस दौर के वर्ष से एक घनिष्ठ बनाती हैं, जब उन्हें एक के गांव के स्कूल शिक्षा के रूप में काम किया और अपनी मंगेतन इवन एक नानी से मुलाकात की। स्टिंग जुलाई 1913 से 9 अगस्त 1914 तक उत्तरीय जर्मनी के इलीवर्ट का काल्पनिक प्रोटेस्टा गांव है, जहां स्थानीय प्रेदी डॉक्टर और व्यापारी क्षेत्र की महिलाओं बच्चों और किसानों पर शासन करते हैं। शुद्धवादी प्रेदल पुष्टिकरण कक्षाओं और नेत्रव्य करता है और अपने यौवन बच्चों को स्पष्ट रूप से छोटे अपराधियों के लिए दोषी विकास देता है। उसने उन्हें इस मासोशिक और पवित्रता की याद दिलाने के लिए सफ़ेद रिबन पहने हैं, जिससे वे भटक गए हैं। पूछताछ के दौरान उसके बेटे ने अशुद्ध जौनी की बात कबूल की। फ्रेडी के पास हर रात लड़के के हाथ उसके बिस्तर के फ्रेम्स से बंधे हुए थे हैं। डॉक्टर एक बधुर गांव के बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन अपने गृह स्वामी स्थानीय दाही जिसके साथ वह यौन संबंध रखता है को अपनाहित करता है और अपनी किशोरी बेटी का यौनी घोषणा भी करता है। ब्रेनी जो जागीर का स्वामी है, ग्रामीण के लिए सफल उत्साह हो रेखित करता है। उसमें से कई उल्लेखित मजबूर हैं। अपने छोटे बेटे को अज्ञात हमलावरों द्वारा अपमानजनक रूप से घायल किए जाने के बाद वह बिना किसी स्पष्ट कारण के इवल को शरीरी तौर पर खारिज कर देता है, फिर भी एक किसान की अखंडता का बचाव करता है, जिसके बेटे ने प्रति कदम कार्य में वैरन के गोभी के खेत में को नष्ट कर दिया है। इवन के साथ स्कूल शिक्षक की दोस्ती क्रेशियर की छुट्टी के दौरान उसके परिवार के हर घर जाती है। शादी में उसका हाथ मांगते हुए वह अपने मैन पिता से शादी करने के लिए अनुच्छेद अनुमति प्राप्त करता है, लेकिन केवल एक साल की परीक्षा अवधि की देरी के बाद अपुष्टीय हानिकारक घटनाएं होती हैं। 2 पेड़ों के बीच एक तार खींच गया है, जिससे डॉक्टर अपने घोड़े से भयानक रूप से गिर गया। शेड हुई फ्रेडल देने से किसान की पत्नी की चीर घर में मौत हो जाती है। उसका बेटा गोभी के खेत में तोड़फोड़ करने वाला था और उसके दुखी पत्नी ने बाद में खुद को फांसी लगा ली। ब्रेनी का जवाब बेटे सीगल फसल उत्साह के दिन लापता हो जाता है। और अगली सुबह यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको सफ़ेद रिबन मूवी के बारे में बताती हूँ। जर्मनी दास वेड वेड 2009 की जर्मनी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसे माइकल
हानिक ने लिखा और निर्देशित किया है। इसलिए शाम में रिलीज हुई यह फिल्म प्रथम विश्व युद्ध से ठीक पहले एक उत्तर जर्मनी गांव में समाज और परिवार को गहराई से दर्शाती है। हॉनिक के अनुसार द रेटल रावण बुराई की जोड़ों के रूप बारे में है, चाहे वह धार्मिक या राजनीतिक आतंकवादी हो, यह एक ही बताता है। निर्देशक माइकल हॉनिक द्वारा लिखित, माइकल हॉनिक द्वारा उत्पादित, स्टीफन एरडो, माइकल कोडोज, ब्रेटल मैग्नूज, एंटन एफ्रेजल, अभिनीति क्रिशिया फ्रेडा, अलेशन त्रको, जोसेफ ब्रेचर, वर्णन करती अनिस्टिया जैकवॉल, छायांकन इंशिय वर्ग द्वारा संपादित, मनोहिक बिल्की, उत्पादक कंपनियां बैग फिल्म एक्शन फिल्म द्वारा वितरित, ऑस्ट्रेलिया जर्मनी, रिलीज की तारीख 21 मई 2009, कार्यकारी समय 144 मिनट, का भाषा जर्मनी, बजट यूनिस कनाडा 18 मिलियन। इस फिल्म का प्राइमर मई 2009 में 62वें कान फिल्म समारोह में हुआ। यह इसने प्लैनेट डी और जीत, इसके बाद सकारात्मक समीक्षा और कई अन्य प्रमुख पुरस्कार मिले, जिसमें सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए 2010 गार्डल गबल अवार्ड भी शामिल हैं। 2009 में 82वें अकेडमी पुरस्कारों में फिल्म को 2 नामांकन भी मिले। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म जर्मनी का प्रतिनिधित्व और सर्वश्रेष्ठ छायांकन क्रिस्टी बैनर, एक अज्ञात वजर दर्ज की यादें उस दौर के वर्ष से एक घनिष्ठ बनाती हैं, जब उन्हें एक के गांव के स्कूल शिक्षा के रूप में काम किया और अपनी मंगेतन इवन एक नानी से मुलाकात की। स्टिंग जुलाई 1913 से 9 अगस्त 1914 तक उत्तरीय जर्मनी के इलीवर्ट का काल्पनिक प्रोटेस्टा गांव है, जहां स्थानीय प्रेदी डॉक्टर और व्यापारी क्षेत्र की महिलाओं, बच्चों और किसानों पर शासन करते हैं। शुद्धवादी प्रेदल पुष्टिकरण कक्षाओं और नेत्रव्य करता है और अपने यौवन बच्चों को स्पष्ट रूप से छोटे अपराधियों के लिए दोषी विकास देता है। उसने उन्हें इस मासोशिक और पवित्रता की याद दिलाने के लिए सफ़ेद रिबन पहने हैं, जिससे वे भटक गए हैं। पूछताछ के दौरान उसके बेटे ने अशुद्ध जॉनी की बात कबूल की। फ्रेडी के पास हर रात लड़के के हाथ उसके बिस्तर के फ्रेमन से बंधे हुए थे हैं। डॉक्टर एक बधुर गांव के बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन अपने गृह स्वामी स्थानीय दाही, जिसके साथ वह यौने संबंध रखता है, को अपनाहित करता है और अपनी किशोरी बेटी का यौनी घोषणा भी करता है। ब्रेनी जो जागीर का स्वामी है, ग्रामीण के लिए सफल उत्साह हो रेखित करता है। उसमें से
कई उल्लेखित मजबूर हैं अपने छोटे बेटे को अज्ञात हमलावरों द्वारा अपमानजनक रूप से घायल किए जाने के बाद वह बिना किसी स्पष्ट कारण के इवल को शरीरी तौर पर खारिज कर देता है, फिर भी एक किसान की अखंडता का बचाव करता है जिसके बेटे ने प्रति कदम कार्य में वैरन के गोभी के खेत में को नष्ट कर दिया है। इवन के साथ स्कूल शिक्षक की दोस्ती क्रेशियर की छुट्टी के दौरान उसके परिवार के हर घर जाती है। शादी में उसका हाथ मांगते हुए वह अपने मैन पिता से शादी करने के लिए अनुच्छेद अनुमति प्राप्त करता है, लेकिन केवल एक साल की परीक्षा अवधि की देरी के बाद अपुष्टीय हानिकारक घटनाएं होती हैं। दो पेड़ों के बीच एक तार खिंच गया है जिससे डॉक्टर अपने घोड़े से भयानक रूप से गिर गया। शेड हुई फ्रेडल देने से किसान की पत्नी की चीर घर में मौत हो जाती है। उसका बेटा गोभी के खेत में तोड़फोड़ करने वाला था और उसके दुखी पत्नी ने बाद में खुद को फांसी लगा ली। ब्रैनी का जवाब बेटे सीगल फसल उत्साह के दिन लापता हो जाता है और अगली सुबह यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको सफ़ेद रिबन मूवी के बारे में बताती हूँ। जर्मनी दास वेड वेड 2009 की जर्मनी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसे माइकल हानिक ने लिखा और निर्देशित किया है। इसलिए शाम में रिलीज हुई यह फिल्म प्रथम विश्व युद्ध से ठीक पहले एक उत्तर जर्मनी गांव में समाज और परिवार को गहराई से दर्शाती है। हॉनिक के अनुसार द रेटल रावन बुराई की जोड़ों के रूप बारे में है, चाहे वह धार्मिक या राजनीतिक आतंकवादी हो, यह एक ही बताता है। निर्देशक माइकल हॉनिक द्वारा लिखित, माइकल हॉनिक द्वारा उत्पादित, स्टीफन एरडो, माइकल कोडोज, ब्रेटल मैगनूज, एंटन एफ्रेजल, अभिनेती क्रिशिया फ्रेडा, अलेशन त्रको, जोसेफ ब्रेचर, वर्णन करती अनिस्टिया जैकवॉल, छायांकन इंशिया वर्ग द्वारा संपादित, मनोहिक बिल्की उत्पादक कंपनियां बैग फिल्म एक्शन फिल्म द्वारा वितरित, ऑस्ट्रेलिया जर्मनी, रिलीज की तारीख 21 मई 2009, कार्यकारी समय 144 मिनट, का भाषा जर्मनी, बजट यूनिस कनाडा 18 मिलियन। इस फिल्म का प्राइमर मई 2009 में 62वें कान फिल्म समारोह में हुआ। यह इसने प्लैनेट डी और जीत, इसके बाद सकारात्मक समीक्षा और कई अन्य प्रमुख पुरस्कार मिले, जिसमें सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए 2010 का डल गबल अवार्ड भी शामिल हैं। 2009 में 82वें अकेडमी पुरस्कारों में फिल्म को 2 नामांकन भी मिले। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म जर्मनी का प्रतिनिधित्व और सर्वश्रेष्ठ छायांकन क्रिस्टी बैनर, एक अज्ञात वजह दर्ज की
यादें उस दौर के वर्ष से एक घनिष्ठ बनाती हैं। जब उन्हें एक के गांव के स्कूल शिक्षा के रूप में काम किया और अपनी मंगेतन इवन एक नानी से मुलाकात की। स्टिंग जुलाई 1913 से 9 अगस्त 1914 तक उत्तरीय जर्मनी के इलीवर्ट का काल्पनिक प्रोटेस्टा गांव है, जहां स्थानीय प्रेदी डॉक्टर और व्यापारी क्षेत्र की महिलाओं बच्चों और किसानों पर शासन करते हैं। शुद्धवादी प्रेदल पुष्टिकरण कक्षाओं और नेत्रव्य करता है और अपने यौवन बच्चों को स्पष्ट रूप से छोटे अपराधियों के लिए दोषी बिका देता है। उसने उन्हें इस मासोशिक और पवित्रता की याद दिलाने के लिए सफ़ेद रिबन पहने हैं, जिससे वे भटक गए हैं। पूछताछ के दौरान उसके बेटे ने अशुद्ध होने की बात कबूल की। प्रेदी के पास हर रात लड़के के हाथ उसके बिस्तर के फ्रेम्स से बंधे हुए थे हैं। डॉक्टर एक बधुर गांव के बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन अपने गृह स्वामी स्थानीय दाही जिसके साथ वह यौन संबंध रखता है को अपनाहित करता है और अपनी किशोरी बेटी का यौनी घोषणा भी करता है। ब्रेनी जो जागीर का स्वामी है, ग्रामीण के लिए सफल उत्साह हो रेखित करता है। उसमें से कई उल्लेखित मजबूर हैं। अपने छोटे बेटे को अज्ञात हमलावरों द्वारा अपमानजनक रूप से घायल किए जाने के बाद वह बिना किसी स्पष्ट कारण के इवल को शरीरी तौर पर खारिज कर देता है, फिर भी एक किसान की अखंडता का बचाव करता है, जिसके बेटे ने प्रति कदम कार्य में बैरन के गोभी के खेत में को नष्ट कर दिया है। इवन के साथ स्कूल शिक्षक की दोस्ती क्रेशियर की छुट्टी के दौरान उसके परिवार के हर घर जाती है। शादी में उसका हाथ मांगते हुए वह अपने मैन पिता से शादी करने के लिए अनुच्छेद अनुमति प्राप्त करता है, लेकिन केवल एक साल की परीक्षा अवधि की देरी के बाद अपुष्टि हानिकारक घटनाएं होती हैं। दो पेड़ों के बीच एक तार खींच गया है, जिससे डॉक्टर अपने घोड़े से भयानक रूप से गिर गया। शेड हुई फ्रेदल देने से किसान की पत्नी की चीर घर में मौत हो जाती है। उसका बेटा गोभी के खेत में तोड़फोड़ करने वाला था और उसके दुखी पत्नी ने बाद में खुद को फांसी लगा ली। ब्रेनी का जवाब बेटे सीगल फसल उत्साह के दिन लापता हो जाता है। और अगली सुबह यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको सफ़ेद रिबन मूवी के बारे में बताती हूँ। जर्मनी दास वेड वेड 2009 की जर्मनी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसे माइकल हानिक ने लिखा और निर्देशित किया है। इसलिए शाम में रिलीज हुई यह फिल्म प्रथम विश्व युद्ध से ठीक पहले एक उत्तर जर्मनी गांव में समाज और परिवार को गहराई से दर्शाती है। हॉनिक के अनुसार द रेटल रावन बुराई की जोड़ों के रूप बारे में है, चाहे वह धार्मिक या राजनीतिक आतंकवादी हो, यह एक ही बताता है। निर्देशक माइकल हानिक
द्वारा लिखित माइकल होनिक द्वारा उत्पादित स्टीफन एरडो माइकल कोडोज ब्रेटल मैग्नूज एंटन एफ्रिजल अभिनीति क्रिशिया फ्रेडा अलिशन त्रको जोसेफ ब्रेचर वर्णन करती अनिस्टिया जैकवॉल छायांकन इंशिय वर्ग द्वारा संपादित मनोहिक बिल्की उत्पादक कंपनियां बैग फिल्म एक्शन फिल्म द्वारा वितरित ऑस्ट्रेलिया जर्मनी रिलीज की तारीख 21 मई 2009 कार्यकारी समय 144 मिनट का भाषा जर्मनी बजट यूनिस कनाडा 18 मिलियन इस फिल्म का प्राइमर मई 2009 में 62वें कान फिल्म समारोह में हुआ। यह इसने प्लेनेट डी और जीत इसके बाद सकारात्मक समीक्षा और कई अन्य प्रमुख पुरस्कार मिले जिसमें सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए 2010 गार्डल गब्बल अवार्ड भी शामिल हैं। 2009 में 82वें अकेडमी पुरस्कारों में फिल्म को 2 नामांकन भी मिले। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म जर्मनी का प्रतिनिधित्व और सर्वश्रेष्ठ छायांकन क्रिस्टी बैनर एक अज्ञात वजह दर्ज की यादें उस दौर के वर्ष से एक घनिष्ठ बनाती हैं जब उन्हें एक के गांव के स्कूल शिक्षा के रूप में काम किया और अपनी मंगेतन इवन एक नानी से मुलाकात की। स्टिंग जुलाई 1913 से 9 अगस्त 1914 तक उत्तरीय जर्मनी के इलीवर्ट का काल्पनिक प्रोटेस्टा गांव है जहां स्थानीय प्रेदी डॉक्टर और व्यापारी क्षेत्र की महिलाओं बच्चों और किसानों पर शासन करते हैं। शुद्धवादी प्रेदल पुष्टिकरण कक्षाओं और नेत्रव्य करता है और अपने यौवन बच्चों को स्पष्ट रूप से छोटे अपराधों के लिए दोषी विकास देता है। उसने उन्हें इस मासोशिक और पवित्रता की याद दिलाने के लिए सफ़ेद रिबन पहने हैं जिससे वे भटक गए हैं। पूछताछ के दौरान उसके बेटे ने अशुद्ध जौनी की बात कबूल की। फ्रेडी के पास हर रात लड़के के हाथ उसके बिस्तर के फ्रेमन से बंधे हुए थे हैं। डॉक्टर एक बधुर गांव के बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करता है लेकिन अपने गृह स्वामी स्थानीय दाही जिसके साथ वह यौन संबंध रखता है को अपनाहित करता है और अपनी किशोरी बेटी का यौनी घोषणा भी करता है। ब्रेनी जो जागीर का स्वामी है ग्रामीण के लिए सफल उत्साह हो रेखित करता है उसमें से कई उल्लेखित मजबूर हैं। अपने छोटे बेटे को अज्ञात हमलावरों द्वारा अपमानजनक रूप से घायल किए जाने के बाद वह बिना किसी स्पष्ट कारण के इवल को शरीरी तौर पर खारिज कर देता है फिर भी एक किसान की अखंडता का बचाव करता है जिसके बेटे ने प्रति कदम कार्य में वैरन के गोभी के खेत में को नष्ट कर दिया है। इवन के साथ स्कूल शिक्षक की दोस्ती क्रेशियर की छुट्टी के दौरान उसके परिवार के हर घर जाती है। शादी में उसका हाथ मांगते हुए वह अपने मैन पिता से शादी करने के लिए अनुच्छेद अनुमति प्राप्त करता है लेकिन केवल
एक साल की परीक्षा अवधि की देरी के बाद अपुष्टीय हानिकारक घटनाएं होती हैं। दो पेड़ों के बीच एक तार खिंच गया है, जिससे डॉक्टर अपने घोड़े से भयानक रूप से गिर गया। शेड हुई फ्रेडल देने से किसान की पत्नी की चीर घर में मौत हो जाती है। उसका बेटा गोभी के खेत में तोड़फोड़ करने वाला था और उसके दुखी पत्नी ने बाद में खुद को फांसी लगा ली। ब्रैनी का जवाब बेटे सीगल फसल उत्साह के दिन लापता हो जाता है। और अगली सुबह यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको सफ़ेद रिबन मूवी के बारे में बताती हूँ। जर्मनी दास वेड वेड 2009 की जर्मनी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसे माइकल हानिक ने लिखा और निर्देशित किया है। इसलिए शाम में रिलीज हुई यह फिल्म प्रथम विश्व युद्ध से ठीक पहले एक उत्तर जर्मनी गांव में समाज और परिवार को गहराई से दर्शाती है। हॉनिक के अनुसार द रेटल रावन बुराई की जोड़ों के रूप बारे में है, चाहे वह धार्मिक या राजनीतिक आतंकवादी हो, यह एक ही बताता है। निर्देशक माइकल हॉनिक द्वारा लिखित, माइकल हॉनिक द्वारा उत्पादित, स्टीफन एरडो, माइकल कोडोज, ब्रेटल मैगनूज, एंटन एफ्रेजल, अभिनेती क्रिशिया फ्रेडा, अलेशंत्र को जोसेफ ब्रेचर वर्णन करती, अनिस्टिया जैकवॉल छायांकन, इंशिया वर्ग द्वारा संपादित, मनोहिक बिल्की उत्पादक कंपनियां, बैग फिल्म एक्शन फिल्म द्वारा वितरित, ऑस्ट्रेलिया जर्मनी, रिलीज की तारीख 21 मई 2009, कार्यकारी समय 144 मिनट, का भाषा जर्मनी, बजट यूनिस कनाडा 18 मिलियन। इस फिल्म का प्राइमर मई 2009 में 62वें कान फिल्म समारोह में हुआ। यह इसने प्लेनेट डी और जीत। इसके बाद सकारात्मक समीक्षा और कई अन्य प्रमुख पुरस्कार मिले, जिसमें सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए 2010 गार्डल गबल अवार्ड भी शामिल हैं। 2009 में 82वें अकेडमी पुरस्कारों में फिल्म को 2 नामांकन भी मिले। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म जर्मनी का प्रतिनिधित्व और सर्वश्रेष्ठ छायांकन क्रिस्टी बैनर एक अज्ञात वजर दर्ज की यादें उस दौर के वर्ष से एक घनिष्ठ बनाती हैं, जब उन्हें एक के गांव के स्कूल शिक्षा के रूप में काम किया और अपनी मंगेतन इवन एक नानी से मुलाकात की। स्टिंग जुलाई 1913 से 9 अगस्त 1914 तक उत्तरीय जर्मनी के इलीवाट का काल्पनिक प्रोटेस्टा गांव है, जहां स्थानीय प्रेदी डॉक्टर और व्यापारी क्षेत्र की महिलाओं बच्चों और किसानों पर शासन करते हैं। शुद्धवादी प्रेदल पुष्टिकरण कक्षाओं और नेत्रव्य करता है
और अपने यौवन बच्चों को स्पष्ट रूप से छोटे अपराधियों के लिए दोषी बिका देता है। उसने उन्हें इस मासोशिक और पवित्रता की याद दिलाने के लिए सफ़ेद रिबन पहने हैं जिससे वे भटक गए हैं। पूछताछ के दौरान उसके बेटे ने अशुद्ध जौनी की बात कबूल की। प्रहरी के पास हर रात लड़के के हाथ उसके बिस्तर के प्रेमन से बंधे हुए थे हैं। डॉक्टर एक बधुर गांव के बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन अपने गृह स्वामी स्थानीय दाही जिसके साथ वह यौनिक संबंध रखता है को अपनाहित करता है और अपनी किशोरी बेटी का यौनी घोषणा भी करता है। ब्रैनी जो जागीर का स्वामी है ग्रामीण के लिए सफल उत्साह हो रेखित करता है। उसमें से कई उल्लेखित मजबूर हैं। अपने छोटे बेटे को अज्ञात हमलावरों द्वारा अपमानजनक रूप से घायल किए जाने के बाद वह बिना किसी स्पष्ट कारण के इवल को शरीरी तौर पर खारिज कर देता है, फिर भी एक किसान की अखंडता का बचाव करता है जिसके बेटे ने प्रति कथम कार्य में वैरन के गोभी के खेत में को नष्ट कर दिया है। इवन के साथ स्कूल शिक्षक की दोस्ती क्रेशियर की छुट्टी के दौरान उसके परिवार के हर घर जाती है। शादी में उसका हाथ मांगते हुए वह अपने मैन पिता से शादी करने के लिए अनुच्छेद अनुमति प्राप्त करता है, लेकिन केवल एक साल की परीक्षा अवधि की देरी के बाद अपुष्ट हानिकारक घटनाएं होती हैं। दो पेड़ों के बीच एक तार खिंच गया है जिससे डॉक्टर अपने घोड़े से भयानक रूप से गिर गया। शेड हुई फ्रेडल देने से किसान की पत्नी की चीर घर में मौत हो जाती है। उसका बेटा गोभी के खेत में तोड़फोड़ करने वाला था और उसके दुखी पत्नी ने बाद में खुद को फांसी लगा ली। ब्रैनी का जवाब बेटे सीगल फसल उत्साह के दिन लापता हो जाता है। और अगली सुबह यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको सफ़ेद रिबन मूवी के बारे में बताती हूँ। जर्मनी दास वेड वेड 2009 की जर्मनी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसे माइकल हानिक ने लिखा और निर्देशित किया है। इसलिए शाम में रिलीज हुई यह फिल्म प्रथम विश्व युद्ध से ठीक पहले एक उत्तर जर्मनी गांव में समाज और परिवार को गहराई से दर्शाती है। हॉनिक के अनुसार द रेटल रावन बुराई की जोड़ों के रूप बारे में है, चाहे वह धार्मिक या राजनीतिक आतंकवादी हो, यह एक ही बताता है। निर्देशक माइकल हॉनिक द्वारा लिखित, माइकल हॉनिक द्वारा उत्पादित, स्टीफन एरडो, माइकल कोडोज, ब्रेटल मैगनूज, एंटन एफ्रेजल, अभिनेती क्रिशिया फ्रेडा, अलेशंत्र को जोसेफ ब्रेचर वर्णन करती, अनिस्टिया जैकवॉल छायांकन, इंशिय वर्ग द्वारा संपादित, मनोहिक बिल्की उत्पादक कंपनियां, बैग फिल्म एक्शन फिल्म द्वारा वितरित, ऑस्ट्रेलिया जर्मनी, रिलीज की तारीख 21 मई 2009,
कार्यकारी समय 144 मिनट, का भाषा जर्मनी, बजट यूनिस कनाडा 18 मिलियन। इस फिल्म का प्राइमर मई 2009 में 62वें कान फिल्म समारोह में हुआ। यह इसने प्लैनेट डी और जीत, इसके बाद सकारात्मक समीक्षा और कई अन्य प्रमुख पुरस्कार मिले, जिसमें सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए 2010 गार्डल गबल अवार्ड भी शामिल हैं। 2009 में 82वें अकेडमी पुरस्कारों में फिल्म को 2 नामांकन भी मिले। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म जर्मनी का प्रतिनिधित्व और सर्वश्रेष्ठ छायांकन क्रिस्टी बैनर एक अज्ञात वजह दर्ज की यादें उस दौर के वर्ष से एक घनिष्ठ बनाती हैं, जब उन्हें एक के गांव के स्कूल शिक्षा के रूप में काम किया और अपनी मंगेतन इवन एक नानी से मुलाकात की। स्टिंग जुलाई 1913 से 9 अगस्त 1914 तक उत्तरीय जर्मनी के इलीवर्ट का काल्पनिक प्रोटेस्टा गांव है, जहां स्थानीय प्रेदी डॉक्टर और व्यापारी क्षेत्र की महिलाओं, बच्चों और किसानों पर शासन करते हैं। शुद्धवादी प्रेदल पुष्टिकरण कक्षाओं और नेत्रव्य करता है और अपने यौवन बच्चों को स्पष्ट रूप से छोटे अपराधियों के लिए दोषी बिका देता है। उसने उन्हें इस मासोशिक और पवित्रता की याद दिलाने के लिए सफ़ेद रिबन पहने हैं, जिससे वे भटक गए हैं। पूछताछ के दौरान उसके बेटे ने अशुद्ध जौनी की बात कबूल की। प्रेदी के पास हर रात लड़के के हाथ उसके बिस्तर के फ्रेम्स से बंधे हुए थे हैं। डॉक्टर एक बधुर गांव के बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन अपने गृह स्वामी स्थानीय दाही, जिसके साथ वह यौन संबंध रखता है, को अपनाहित करता है और अपनी किशोरी बेटी का यौनी घोषणा भी करता है। ब्रेनी, जो जागीर का स्वामी है, ग्रामीण के लिए सफल उत्साह हो रेखित करता है। उसमें से कई उल्लेखित मजबूर हैं। अपने छोटे बेटे को अज्ञात हमलावरों द्वारा अपमानजनक रूप से घायल किए जाने के बाद वह बिना किसी स्पष्ट कारण के इवल को शरीरी तौर पर खारिज कर देता है, फिर भी एक किसान की अखंडता का बचाव करता है, जिसके बेटे ने प्रति कदम कार्य में वैरन के गोभी के खेत में को नष्ट कर दिया है। इवन के साथ स्कूल शिक्षक की दोस्ती क्रेशियर की छुट्टी के दौरान उसके परिवार के हर घर जाती है। शादी में उसका हाथ मांगते हुए वह अपने मैन पिता से शादी करने के लिए अनुच्छेद अनुमति प्राप्त करता है, लेकिन केवल एक साल की परीक्षा अवधि की देरी के बाद अपुष्टीय हानिकारक घटनाएं होती हैं। 2 पेड़ों के बीच एक तार खींच गया है, जिससे डॉक्टर अपने घोड़े से भयानक रूप से गिर गया। शेड हुई फ्रेदल देने से किसान की पत्नी की चीर घर में मौत हो जाती है। उसका बेटा गोभी के खेत में तोड़फोड़ करने वाला था और उसके दुखी पत्नी ने बाद में खुद को फांसी लगा ली। ब्रेनी का जवाब बेटे सीगल फसल उत्साह के दिन लापता हो जाता है और अगली सुबह यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद। दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको सफ़ेद रिबन मूवी के बारे में बताती हूँ। जर्मनी दास वेड वेड 2009 की जर्मनी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसे माइकल हानिक ने लिखा और निर्देशित किया है। इस शाम में रिलीज हुई यह फिल्म प्रथम विश्व युद्ध से ठीक पहले एक उत्तर जर्मनी गांव में समाज और परिवार को गहराई से दर्शाती है। हॉनिक के अनुसार द रेटल रावण बुराई की जोड़ों के रूप बारे में है, चाहे वह धार्मिक या राजनीतिक आतंकवादी हो, यह एक ही बताता है। निर्देशक माइकल हॉनिक द्वारा लिखित, माइकल हॉनिक द्वारा उत्पादित, स्टीफन एरडो, माइकल कोडोज, ब्रेटल मैगनूज, एंटन एफ्रेजल, अभिनेती क्रिशिया फ्रेडा, अलेशन त्रको, जोसेफ ब्रेचर, वर्णन करती अनिस्टिया जैकवॉल, छायांकन इंशिया वर्ग द्वारा संपादित, मनोहिक बिल्की उत्पादक कंपनियां, बैग फिल्म एक्शन फिल्म द्वारा वितरित, ऑस्ट्रेलिया जर्मनी, रिलीज की तारीख 21 मई 2009, कार्यकारी समय 144 मिनट, का भाषा जर्मनी, बजट यूनिस कनाडा 18 मिलियन। इस फिल्म का प्राइमर मई 2009 में 62वें कान फिल्म समारोह में हुआ। यह इसने प्लैनेट डी और जीत, इसके बाद सकारात्मक समीक्षा और कई अन्य प्रमुख पुरस्कार मिले, जिसमें सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए 2010 गार्डल गबल अवार्ड भी शामिल हैं। 2009 में 82वें अकेडमी पुरस्कारों में फिल्म को 2 नामांकन भी मिले। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म जर्मनी का प्रतिनिधित्व और सर्वश्रेष्ठ छायांकन क्रिस्टी बैनर, एक अज्ञात वजर दर्ज की यादें उस दौर के वर्ष से एक घनिष्ठ बनाती हैं, जब उन्हें एक के गांव के स्कूल शिक्षा के रूप में काम किया और अपनी मंगेतन इवन एक नानी से मुलाकात की। स्टिंग जुलाई 1913 से 9 अगस्त 1914 तक उत्तरीय जर्मनी के इलीवाट का काल्पनिक प्रोटेस्टा गांव है, जहां स्थानीय प्रेदी डॉक्टर और व्यापारी क्षेत्र की महिलाओं, बच्चों और किसानों पर शासन करते हैं। शुद्धवादी प्रेदल पुष्टिकरण कक्षाओं और नेत्रव्य करता है और अपने यौवन बच्चों को स्पष्ट रूप से छोटे अपराधियों के लिए दोषी बिका देता है। उसने उन्हें इस मासोशिक और पवित्रता की याद दिलाने के लिए सफ़ेद रिबन पहने हैं, जिससे वे भटक गए हैं। पूछताछ के दौरान उसके बेटे ने अशुद्ध जॉनी की बात कबूल की। रेडी के पास हर रात लड़के के हाथ उसके बिस्तर के फ्रेमन से बंधे हुए थे हैं। डॉक्टर एक बधुर गांव के बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन अपने गृह स्वामी स्थानीय दाही, जिसके साथ वह यौने संबंध रखता है, को अपनाहित करता है और अपनी
किशोरी बेटी का यौनी घोषणा भी करता है। व्रैनी जो जागीर का स्वामी है, ग्रामीण के लिए सफल उत्साह हो रेखित करता है। उसमें से कई उल्लेखित मजबूर हैं। अपने छोटे बेटे को अज्ञात हमलावरों द्वारा अपमानजनक रूप से घायल किए जाने के बाद वह बिना किसी स्पष्ट कारण के इवल को शरीरी तौर पर खारिज कर देता है, फिर भी एक किसान की अखंडता का बचाव करता है जिसके बेटे ने प्रति कथम कार्य में वैरन के गोभी के खेत में को नष्ट कर दिया है। इवन के साथ स्कूल शिक्षक की दोस्ती क्रेशियर की छुट्टी के दौरान उसके परिवार के हर घर जाती है। शादी में उसका हाथ मांगते हुए वह अपने मैन पिता से शादी करने के लिए अनुच्छेद अनुमति प्राप्त करता है, लेकिन केवल एक साल की परीक्षा अवधि की देरी के बाद अपुष्टीय हानिकारक घटनाएं होती हैं। दो पेड़ों के बीच एक तार खिंच गया है जिससे डॉक्टर अपने घोड़े से भयानक रूप से गिर गया। शेड हुई फ्रेडल देने से किसान की पत्नी की चीर घर में मौत हो जाती है। उसका बेटा गोभी के खेत में तोड़फोड़ करने वाला था और उसके दुखी पत्नी ने बाद में खुद को फांसी लगा ली। ब्रैनी का जवाब बेटे सीगल फसल उत्साह के दिन लापता हो जाता है। और अगली सुबह यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको सफ़ेद रिबन मूवी के बारे में बताती हूँ। जर्मनी दास वेड वेड 2009 की जर्मनी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसे माइकल हानिक ने लिखा और निर्देशित किया है। इसलिए शाम में रिलीज हुई यह फिल्म प्रथम विश्व युद्ध से ठीक पहले एक उत्तर जर्मनी गांव में समाज और परिवार को गहराई से दर्शाती है। हॉनिक के अनुसार द रेटल रावन बुराई की जोड़ों के रूप बारे में है, चाहे वह धार्मिक या राजनीतिक आतंकवादी हो, यह एक ही बताता है। निर्देशक माइकल हॉनिक द्वारा लिखित, माइकल हॉनिक द्वारा उत्पादित, स्टीफन एरडो, माइकल कोडोज, ब्रेटल मैगनूज, एंटन एफ्रेजल, अभिनेती क्रिशिया फ्रेडा, अलेशन त्रको, जोसेफ ब्रेचर, वर्णन करती अनिस्टिया जैकवॉल, छायांकन इंशिय वर्ग द्वारा संपादित, मनोहिक बिल्की उत्पादक कंपनियां बैग फिल्म एक्शन फिल्म द्वारा वितरित। ऑस्ट्रेलिया जर्मनी रिलीज की तारीख 21 मई 2009, कार्यकारी समय 144 मिनट, का भाषा जर्मनी, बजट यूनिस कनाडा 18 मिलियन। इस फिल्म का प्राइमर मई 2009 में 62वें कान फिल्म समारोह में हुआ। यह इसने प्लैनेट डी और जीत। इसके बाद सकारात्मक समीक्षा और कई अन्य प्रमुख पुरस्कार मिले, जिसमें सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए 2010 का डल गब्बल अवार्ड भी शामिल हैं। 2009 में 82वें अकेडमी पुरस्कारों में फिल्म को
दो नामांकन भी मिले। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म जर्मनी का प्रतिनिधित्व और सर्वश्रेष्ठ छायांकन क्रिस्टी बैनर एक अज्ञात वजह दर्ज की यादें उस दौर के वर्ष से एक घनिष्ठ बनाती हैं जब उन्हें एक के गांव के स्कूल शिक्षा के रूप में काम किया और अपनी मंगेतन इवन एक नानी से मुलाकात की। स्टिंग जुलाई 1913 से 9 अगस्त 1914 तक उत्तरीय जर्मनी के इलीवर्ट का काल्पनिक प्रोटेस्टा गांव है, जहां स्थानीय प्रेदी डॉक्टर और व्यापारी क्षेत्र की महिलाओं बच्चों और किसानों पर शासन करते हैं। शुद्धवादी प्रेदल पुष्टिकरण कक्षाओं और नेत्रव्य करता है और अपने यौवन बच्चों को स्पष्ट रूप से छोटे अपराधियों के लिए दोषी विकास देता है। उसने उन्हें इस मासोशिक और पवित्रता की याद दिलाने के लिए सफ़ेद रिबन पहने हैं जिससे वे भटक गए हैं। पूछताछ के दौरान उसके बेटे ने अशुद्ध जॉनी की बात कबूल की। प्रेदी के पास हर रात लड़के के हाथ उसके बिस्तर के फ्रेम्स से बंधे हुए थे हैं। डॉक्टर एक बधुर गांव के बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन अपने गृह स्वामी स्थानीय दाही जिसके साथ वह यौन संबंध रखता है को अपनाहित करता है और अपनी किशोरी बेटी का यौनी घोषणा भी करता है। ब्रेनी जो जागीर का स्वामी है ग्रामीण के लिए सफल उत्साह हो रेखित करता है। उसमें से कई उल्लेखित मजबूर हैं अपने छोटे बेटे को अज्ञात हमलावरों द्वारा अपमानजनक रूप से घायल किए जाने के बाद वह बिना किसी स्पष्ट कारण के इवल को शरीरी तौर पर खारिज कर देता है, फिर भी एक किसान की अखंडता का बचाव करता है जिसके बेटे ने प्रति कदम कार्य में वैरन के गोभी के खेत में को नष्ट कर दिया है। इवन के साथ स्कूल शिक्षक की दोस्ती क्रेशियर की छुट्टी के दौरान उसके परिवार के हर घर जाती है। शादी में उसका हाथ मांगते हुए वह अपने मैन पिता से शादी करने के लिए अनुच्छेद अनुमति प्राप्त करता है, लेकिन केवल एक साल की परीक्षा अवधि की देरी के बाद अपुष्टीय हानिकारक घटनाएं होती हैं। दो पेड़ों के बीच एक तार खींच गया है जिससे डॉक्टर अपने घोड़े से भयानक रूप से गिर गया। शेड हुई फ्रेदल देने से किसान की पत्नी की चीर घर में मौत हो जाती है। उसका बेटा गोभी के खेत में तोड़फोड़ करने वाला था और उसके दुखी पत्नी ने बाद में खुद को फांसी लगा ली। ब्रेनी का जवाब बेटे सीगल फसल उत्साह के दिन लापता हो जाता है और अगली सुबह यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको सफ़ेद रिबन मूवी के बारे में बताती हूँ। जर्मनी दास वेड वेड 2009 की जर्मनी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसे माइकल हानिक ने लिखा और निर्देशित किया है। इसलिए शाम में रिलीज हुई यह फिल्म प्रथम विश्व युद्ध से ठीक पहले एक उत्तर जर्मनी गांव में समाज और परिवार को गहराई से दर्शाती है। हॉनिक के अनुसार द रेटल रावन बुराई की
जोड़ों के रोग बारे में है, चाहे वह धार्मिक या राजनीतिक आतंकवादी हो, यह एक ही बताता है। निर्देशक माइकल हानेक द्वारा लिखित, माइकल हानेक द्वारा उत्पादित, स्टीफन एरडो, माइकल कोडोज, ब्रेटल मैगनूज, एंटन एफ्रेजल, अभिनीति क्रिशिया फ्रेडा, अलिशन त्रको, जोसेफ ब्रेचर, वर्णन करती अनिस्टिया जैकवॉल, छायांकन इंशिय वर्ग द्वारा संपादित, मनोहिक बिल्की, उत्पादक कंपनियां बैग फिल्म एक्शन फिल्म द्वारा वितरित, ऑस्ट्रेलिया जर्मनी, रिलीज की तारीख 21 मई 2009, कार्यकारी समय 144 मिनट, का भाषा जर्मनी, बजट यूनिस कनाडा 18 मिलियन। इस फिल्म का प्राइमर मई 2009 में 62वें कान फिल्म समारोह में हुआ। यह इसने प्लैनेट डी और जीत, इसके बाद सकारात्मक समीक्षा और कई अन्य प्रमुख पुरस्कार मिले, जिसमें सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए 2010 गार्डल गबल अवार्ड भी शामिल हैं। 2009 में 82वें अकेडमी पुरस्कारों में फिल्म को 2 नामांकन भी मिले। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म जर्मनी का प्रतिनिधित्व और सर्वश्रेष्ठ छायांकन क्रिस्टी बैनर, एक अज्ञात वजर दर्ज की यादें उस दौर के वर्ष से एक घनिष्ठ बनाती हैं, जब उन्हें एक के गांव के स्कूल शिक्षा के रूप में काम किया और अपनी मंगेतन इवन एक नानी से मुलाकात की। स्टिंग जुलाई 1913 से 9 अगस्त 1914 तक उत्तरीय जर्मनी के इलीवाट का काल्पनिक प्रोटेस्टा गांव है, जहां स्थानीय प्रेदी डॉक्टर और व्यापारी क्षेत्र की महिलाओं, बच्चों और किसानों पर शासन करते हैं। शुद्धवादी प्रेदल पुष्टिकरण कक्षाओं और नेत्रव्य करता है और अपने यौवन बच्चों को स्पष्ट रूप से छोटे अपराधों के लिए दोषी विकास देता है। उसने उन्हें इस मासोशिक और पवित्रता की याद दिलाने के लिए सफ़ेद रिबन पहने हैं, जिससे वे भटक गए हैं। पूछताछ के दौरान उसके बेटे ने अशुद्ध जौनी की बात कबूल की। प्रेदी के पास हर रात लड़के के हाथ उसके बिस्तर के फ्रेमन से बंधे हुए थे हैं। डॉक्टर एक बधुर गांव के बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन अपने गृह स्वामी स्थानीय दाही, जिसके साथ वह यौन संबंध रखता है, को अपनाहित करता है और अपनी किशोरी बेटी का यौनी घोषणा भी करता है। ब्रैनी, जो जागीर का स्वामी है, ग्रामीण के लिए सफल उत्साह हो रहे करता है, उसमें से कई उल्लेखित मजबूर हैं। अपने छोटे बेटे को अज्ञात हमलावरों द्वारा अपमानजनक रूप से घायल किए जाने के बाद वह बिना किसी स्पष्ट कारण के इवल को शरीरी तौर पर खारिज कर देता है, फिर भी एक किसान की अखंडता का बचाव करता है, जिसके बेटे ने प्रति कथम कार्य में वैरन के गोभी के खेत में को नष्ट कर दिया है। इवन के साथ स्कूल शिक्षक की दोस्ती क्रेशियर की छुट्टी के दौरान उसके परिवार के हर घर जाती है।
शादी में उसका हाथ मांगते हुए वह अपने मैन पिता से शादी करने के लिए अनुच्छेद अनुमति प्राप्त करता है, लेकिन केवल एक साल की परीक्षा अवधि की देरी के बाद अपुष्टीय हानिकारक घटनाएं होती हैं। दो पेड़ों के बीच एक तार खिंच गया है, जिससे डॉक्टर अपने घोड़े से भयानक रूप से गिर गया। शेड हुई फ्रेडल देने से किसान की पत्नी की चीर घर में मौत हो जाती है। उसका बेटा गोभी के खेत में तोड़फोड़ करने वाला था और उसके दुखी पत्नी ने बाद में खुद को फांसी लगा ली। ब्रैनी का जवाब बेटे सीगल फसल उत्साह के दिन लापता हो जाता है और अगली सुबह यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको सफ़ेद रिबन मूवी के बारे में बताती हूँ। जर्मनी दास वेड वेड 2009 की जर्मनी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसे माइकल हानिक ने लिखा और निर्देशित किया है। इसलिए शाम में रिलीज हुई यह फिल्म प्रथम विश्व युद्ध से ठीक पहले एक उत्तर जर्मनी गांव में समाज और परिवार को गहराई से दर्शाती है। हॉनिक के अनुसार द रेटल रावन बुराई की जोड़ों के रूप बारे में है, चाहे वह धार्मिक या राजनीतिक आतंकवादी हो, यह एक ही बताता है। निर्देशक माइकल हॉनिक द्वारा लिखित, माइकल हॉनिक द्वारा उत्पादित, स्टीफन एरडो, माइकल कोडोज, ब्रेटल मैगनूज, एंटन एफ्रेजल, अभिनेती क्रिशिया फ्रेडा, अलिशन त्रको, जोसेफ ब्रेचर, वर्णन करती अनिस्टिया जैकवॉल, छायांकन इंशिया वर्ग द्वारा संपादित, मनोहिक बिल्की उत्पादक कंपनियां, बैग फिल्म एक्शन फिल्म द्वारा वितरित, ऑस्ट्रेलिया जर्मनी, रिलीज की तारीख 21 मई 2009, कार्यकारी समय 144 मिनट, का भाषा जर्मनी, बजट यूनिस कनाडा 18 मिलियन। इस फिल्म का प्राइमर मई 2009 में 62वें कान फिल्म समारोह में हुआ। यह इसने प्लैनेट डी और जीत, इसके बाद सकारात्मक समीक्षा और कई अन्य प्रमुख पुरस्कार मिले, जिसमें सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए 2010 गार्डन गबल अवार्ड भी शामिल हैं। 2009 में 82वें अकेडमी पुरस्कारों में फिल्म को 2 नामांकन भी मिले। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म जर्मनी का प्रतिनिधित्व और सर्वश्रेष्ठ छायांकन क्रिस्टी बैनर, एक अज्ञात वजर दर्ज की यादें उस दौर के वर्ष से एक घनिष्ठ बनाती हैं, जब उन्हें एक के गांव के स्कूल शिक्षा के रूप में काम किया और अपनी मंगेतन इवन एक नानी से मुलाकात की। स्टिंग जुलाई 1913 से 9 अगस्त 1914 तक उत्तरीय जर्मनी के इलीवर्ट का काल्पनिक प्रोटेस्टा गांव है, जहां
स्थानीय प्रेदी डॉक्टर और व्यापारी क्षेत्र की महिलाओं, बच्चों और किसानों पर शासन करते हैं। शुद्धवादी प्रेदल पुष्टिकरण कक्षाओं और नेत्रव्य करता है और अपने यौवन बच्चों को स्पष्ट रूप से छोटे अपराधियों के लिए दोषी विकास देता है। उसने उन्हें इस मासोशिक और पवित्रता की याद दिलाने के लिए सफ़ेद रिवन पहने हैं जिससे वे भटक गए हैं। पूछताछ के दौरान उसके बेटे ने अशुद्ध जौनी की बात कबूल की। प्रेदी के पास हर रात लड़के के हाथ उसके बिस्तर के फ्रेमेंस से बंधे हुए थे हैं। डॉक्टर एक बधुर गांव के बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन अपने गृह स्वामी स्थानीय दाही जिसके साथ वह यौन संबंध रखता है को अपनाहित करता है और अपनी किशोरी बेटी का यौनी घोषणा भी करता है। ब्रेनी जो जागीर का स्वामी है, ग्रामीण के लिए सफल उत्साह हो रेखित करता है। उसमें से कई उल्लेखित मजबूर हैं। अपने छोटे बेटे को अज्ञात हमलावरों द्वारा अपमानजनक रूप से घायल किए जाने के बाद वह बिना किसी स्पष्ट कारण के इवल को शरीरी तौर पर खारिज कर देता है, फिर भी एक किसान की अखंडता का बचाव करता है जिसके बेटे ने प्रति कदम कार्य में वैरन के गोभी के खेत में को नष्ट कर दिया है। इवन के साथ स्कूल शिक्षक की दोस्ती क्रेशियर की छुट्टी के दौरान उसके परिवार के हर घर जाती है। शादी में उसका हाथ मांगते हुए वह अपने मैन पिता से शादी करने के लिए अनुच्छेद अनुमति प्राप्त करता है, लेकिन केवल एक साल की परीक्षा अवधि की देरी के बाद अपुष्टि हानिकारक घटनाएं होती हैं। दो पेड़ों के बीच एक तार खिंच गया है जिससे डॉक्टर अपने घोड़े से भयानक रूप से गिर गया। शेड हुई फ्रेदल देने से किसान की पत्नी की चीर घर में मौत हो जाती है। उसका बेटा गोभी के खेत में तोड़फोड़ करने वाला था और उसके दुखी पत्नी ने बाद में खुद को फांसी लगा ली। ब्रेनी का जवाब बेटे सीगल फसल उत्साह के दिन लापता हो जाता है और अगली सुबह यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको सफ़ेद रिवन मूवी के बारे में बताती हूँ। जर्मनी दास वेड वेड 2009 की जर्मनी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसे माइकल हानिक ने लिखा और निर्देशित किया है। इसलिए शाम में रिलीज हुई यह फिल्म प्रथम विश्व युद्ध से ठीक पहले एक उत्तर जर्मनी गांव में समाज और परिवार को गहराई से दर्शाती है। हॉनिक के अनुसार द रेटल रावन बुराई की जोड़ों के रूप बारे में है, चाहे वह धार्मिक या राजनीतिक आतंकवादी हो, यह एक ही बताता है। निर्देशक माइकल हॉनिक द्वारा लिखित, माइकल हॉनिक द्वारा उत्पादित, स्टीफन एरडो, माइकल कोडोज, ब्रेटल मैग्नूज, एंटन एफ्रेजल, अभिनेती क्रिशिया फ्रेडा, अलेशन त्रको, जोसेफ ब्रेचर, वर्णन करती अनिस्टिया जैकवॉल, छायांकन इंशिया वर्ग द्वारा संपादित, मनोहिक बिल्की
उत्पादक कंपनियां बैग फिल्म एक्शन फिल्म द्वारा वितरित ऑस्ट्रेलिया जर्मनी। रिलीज की तारीख 21 मई 2009। कार्यकारी समय 144 मिनट। का भाषा जर्मनी। बजट यूनिस कनाडा 18 मिलियन। इस फिल्म का प्राइमर मई 2009 में 62वें कान फिल्म समारोह में हुआ। यह इसने प्लेनेट डी और जीत। इसके बाद सकारात्मक समीक्षा और कई अन्य प्रमुख पुरस्कार मिले, जिसमें सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए 2010 का डल गबल अवार्ड भी शामिल हैं। 2009 में 82वें अकेडमी पुरस्कारों में फिल्म को 2 नामांकन भी मिले। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म जर्मनी का प्रतिनिधित्व और सर्वश्रेष्ठ छायांकन क्रिस्टी बैनर एक अज्ञात वजह दर्ज की यादें उस दौर के वर्ष से एक घनिष्ठ बनाती हैं, जब उन्हें एक के गांव के स्कूल शिक्षा के रूप में काम किया और अपनी मंगेतन इवन एक नानी से मुलाकात की। स्टिंग जुलाई 1913 से 9 अगस्त 1914 तक उत्तरीय जर्मनी के इलीवर्ट का काल्पनिक प्रोटेस्टा गांव है, जहां स्थानीय प्रेदी डॉक्टर और व्यापारी क्षेत्र की महिलाओं बच्चों और किसानों पर शासन करते हैं। शुद्धवादी प्रेदल पुष्टिकरण कक्षाओं और नेत्रव्य करता है और अपने यौवन बच्चों को स्पष्ट रूप से छोटे अपराधों के लिए दोषी विकास देता है। उसने उन्हें इस मासोशिक और पवित्रता की याद दिलाने के लिए सफ़ेद रिबन पहने हैं, जिससे वे भटक गए हैं। पूछताछ के दौरान उसके बेटे ने अशुद्ध जॉनी की बात कबूल की। प्रेदी के पास हर रात लड़के के हाथ उसके बिस्तर के फ्रेमन से बंधे हुए थे हैं। डॉक्टर एक बधुर गांव के बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन अपने गृह स्वामी स्थानीय दाही जिसके साथ वह यौन संबंध रखता है को अपनाहित करता है और अपनी किशोरी बेटी का यौनी घोषणा भी करता है। ब्रेनी जो जागीर का स्वामी है, ग्रामीण के लिए सफल उत्साह हो रेखित करता है। उसमें से कई उल्लेखित मजबूर हैं। अपने छोटे बेटे को अज्ञात हमलावरों द्वारा अपमानजनक रूप से घायल किए जाने के बाद वह बिना किसी स्पष्ट कारण के इवल को शरीरी तौर पर खारिज कर देता है, फिर भी एक किसान की अखंडता का बचाव करता है, जिसके बेटे ने प्रति कदम कार्य में वैरन के गोभी के खेत में को नष्ट कर दिया है। इवन के साथ स्कूल शिक्षक की दोस्ती क्रेशियर की छुट्टी के दौरान उसके परिवार के हर घर जाती है। शादी में उसका हाथ मांगते हुए वह अपने मैन पिता से शादी करने के लिए अनुच्छेद अनुमति प्राप्त करता है, लेकिन केवल 1 साल की परीक्षा अवधि की देरी के बाद अपुष्टीय हानिकारक घटनाएं होती हैं। 2 पेड़ों के बीच एक तार खींच गया है, जिससे डॉक्टर अपने घोड़े से भयानक रूप से गिर गया। शेड हुई फ्रेदल देने से किसान की पत्नी की चीर घर में मौत हो जाती है
उसका बेटा गोभी के खेत में तोड़फोड़ करने वाला था और उसके दुखी पत्नी ने बाद में खुद को फांसी लगा ली। ब्रैनी का जवाब, बेटे सीगल फसल उत्साह के दिन लापता हो जाता है। और अगली सुबह यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको सफ़ेद रिबन मूवी के बारे में बताती हूँ। जर्मनी दास वेड वेड 2009 की जर्मनी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसे माइकल हानिक ने लिखा और निर्देशित किया है। इस शाम में रिलीज हुई यह फिल्म प्रथम विश्व युद्ध से ठीक पहले एक उत्तर जर्मनी गांव में समाज और परिवार को गहराई से दर्शाती है। हॉनिक के अनुसार द रेटल रावण बुराई की जोड़ों के रूप बारे में है, चाहे वह धार्मिक या राजनीतिक आतंकवादी हो, यह एक ही बताता है। निर्देशक माइकल हॉनिक द्वारा लिखित, माइकल हॉनिक द्वारा उत्पादित, स्टीफन एरडो, माइकल कोडोज, ब्रेटल मैगनूज, एंटन एफ्रेजल, अभिनेती क्रिशिया फ्रेडा, अलेशंत्र को जोसेफ ब्रेचर वर्णन करती, अनिस्टिया जैकवॉल छायांकन, इंशिया वर्ग द्वारा संपादित, मनोहिक बिल्की उत्पादक कंपनियां बैग फिल्म एक्शन फिल्म द्वारा वितरित, ऑस्ट्रेलिया जर्मनी, रिलीज की तारीख 21 मई 2009, कार्यकारी समय 144 मिनट, का भाषा जर्मनी, बजट यूनिस कनाडा 18 मिलियन। इस फिल्म का प्राइमर मई 2009 में 62वें कान फिल्म समारोह में हुआ। यह इसने प्लेनेट डी और जीत, इसके बाद सकारात्मक समीक्षा और कई अन्य प्रमुख पुरस्कार मिले, जिसमें सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए 2010 गार्डल गबल अवार्ड भी शामिल हैं। 2009 में 82वें अकेडमी पुरस्कारों में फिल्म को 2 नामांकन भी मिले। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म जर्मनी का प्रतिनिधित्व और सर्वश्रेष्ठ छायांकन क्रिस्टी बैनर, एक अज्ञात वजर दर्ज की यादें उस दौर के वर्ष से एक घनिष्ठ बनाती हैं, जब उन्हें एक के गांव के स्कूल शिक्षा के रूप में काम किया और अपनी मंगेतन इवन एक नानी से मुलाकात की। स्टिंग जुलाई 1913 से 9 अगस्त 1914 तक उत्तरीय जर्मनी के इलीवर्ट का काल्पनिक प्रोटेस्टा गांव है, जहां स्थानीय प्रेदी डॉक्टर और व्यापारी क्षेत्र की महिलाओं, बच्चों और किसानों पर शासन करते हैं। शुद्धवादी प्रेदल पुष्टिकरण कक्षाओं और नेत्रव्य करता है और अपने यौवन बच्चों को स्पष्ट रूप से छोटे अपराधियों के लिए दोषी बिका देता है। उसने उन्हें इस मासोशिक और पवित्रता की याद लाने के लिए सफ़ेद रिबन पहने हैं, जिससे वे भटक गए हैं।
पूछताछ के दौरान उसके बेटे ने अशुद्ध जॉनी की बात कबूल की। रेडी के पास हर रात लड़के के हाथ उसके बिस्तर के प्रेमन से बंधे हुए थे हैं। डॉक्टर एक बदूर गांव के बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन अपने गृह स्वामी स्थानीय दाही जिसके साथ वह यौने संबंध रखता है को अपनाहित करता है और अपनी किशोरी बेटी का यौनी घोषणा भी करता है। ब्रैनी जो जागीर का स्वामी है, ग्रामीण के लिए सफल उत्साह हो रेखित करता है। उसमें से कई उल्लेखित मजबूर हैं। अपने छोटे बेटे को अज्ञात हमलावरों द्वारा अपमानजनक रूप से घायल किए जाने के बाद वह बिना किसी स्पष्ट कारण के इवल को शरीरी तौर पर खारिज कर देता है, फिर भी एक किसान की अखंडता का बचाव करता है जिसके बेटे ने प्रति कदम कार्य में वैरन के गोभी के खेत में को नष्ट कर दिया है। इवन के साथ स्कूल शिक्षक की दोस्ती क्रेशियर की छुट्टी के दौरान उसके परिवार के हर घर जाती है। शादी में उसका हाथ मांगते हुए वह अपने मैन पिता से शादी करने के लिए अनुच्छेद अनुमति प्राप्त करता है, लेकिन केवल एक साल की परीक्षा अवधि की देरी के बाद अपुष्ट हानिकारक घटनाएं होती हैं। दो पेड़ों के बीच एक तार खिंच गया है जिससे डॉक्टर अपने घोड़े से भयानक रूप से गिर गया। शेड हुई फ्रेडल देने से किसान की पत्नी की चीर घर में मौत हो जाती है। उसका बेटा गोभी के खेत में तोड़फोड़ करने वाला था और उसके दुखी पत्नी ने बाद में खुद को फांसी लगा ली। ब्रैनी का जवाब बेटे सीगल फसल उत्साह के दिन लापता हो जाता है। और अगली सुबह यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।